हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स हॉट 30 आईफोन है, तो इन्फिनिक्स हॉट 30 आईफोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोटो वीडियोस को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर बैक करना है, बैक करके आपको फाइल आइकन्स पे जाना है, जिसके ज़रिए आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। इमेज गैलरी पे जाना है, जो भी आप फ़ोटोज़ को हाइड करना चाहते हैं पहले सेलेक्ट करना है, मूव टू सेव फोल्डर कर देना है। इस तरीके से मूव टू सेव फोल्डर करते ही जो भी फ़ोटोज़ होंगी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और हाइडिंग फोल्डर में चली जाएगी। इसी तरीके से आप इसको वीडियो भी हाइड कर सकते हैं। वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, जैसे सेलेक्ट कर लिया है, थ्री डॉट पर जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, तो वीडियो भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी और हाइडिंग फोल्डर में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप फोटो और वीडियोस को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, और जैसा मेरे को शो करना चाहे, देखना चाहे देख भी आप सकते हैं। सिंपली सेव फोल्डर पर जाना है, पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड डालते ही यहाँ से आप शो कर सकते हैं और देख सकते हैं, और वापस आप इसको गैलरी में भेजना चाहें तो गैलरी में भी भेज सकते हैं। इस तरह से आपकी गैलरी में शो करेगा, या फिर किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी आप कर सकते हैं। बस आपको डिलीट पर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और आपके फ़ोन से हट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फोटो और वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।